Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शबीर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट इन्फो। आप दोस्तों के साथ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हम एक डिश के ऊपर ज़्यादा कनेक्शन किस तरीके से चलाएं उसकी मुकम्मल डिटेल बताएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सैटेलाइट इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि अगर हमने फ़र्द कर लें कि अगर दो कनेक्शन चलाने हैं तो मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा, दो से चार कनेक्शन किस तरीके से चलाने हैं मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा मुकम्मल देखा करें और ताकि आपको समझ लगे कि मैंने किस तरीके से इसको चलाया है। सबसे पहले हमारे पास KU बैंड की LLB 4 पिन की होनी चाहिए। अगर चार कनेक्शन करने हैं, अगर एक करना है तो 1 पिन, दो करने हैं तो 2 पिन, अगर तीन तो खैर होती नहीं, 4 पिन की LLB मिलती है और 8 की मिलती है। और ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास 4 पिन वाली एक अदर LLB, उसके अलावा मेरे पास ये आम सी बैंड LLB है, आम सिंगल सोल्यूशन इसको कहते हैं। ये देख लें जी, ये 5600 मॉडल की है LLB, मोबाइल टावर फिल्टर LLB है, नंबर 2-1 ये होगी। उसके बाद एक हमारे पास पावर स्प्रिंटल, ये देखें जी पावर स्प्रिंटल, इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है, ये भी नोट कर लें, पावर स्प्रिंटल का होना ज़रूरी है। उसके बाद डैजिक स्विच, जिसको ये डैजिक स्विच कहते हैं, ये देखें जी डैजिक स्विच, इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है, ये भी देख लें। ठीक है जी, अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले हमने एशिया सेट के ऊपर हमने इस LLB को सेट कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद एशिया सेट के ऊपर सेट करके इसके ऊपर हमने एक तार यहाँ से पे लगा के इसके आगे एक तार निकाल के इसके आगे लगाएंगे पावर स्प्रिंटल इस तरीके से। ये देखिए जी, यहाँ से हमारा जो एक कनेक्शन यहाँ तक आ गया है, यहाँ से इन में आया, यहाँ पे आकर दो निकल आई है, हमारे दो कनेक्शन इसके बढ़िया LLB के हो गए। उसके बाद बात की जाए KU बैंड की, तो KU बैंड की ये पिन है, यहाँ से जितने भी पिन हैं आपने लगाने, यहाँ से पिन लें और यहाँ पे डैजिक स्विच रख लें। ये डैजिक स्विच है, इसके ऊपर क्या करेंगे, इस डैजिक स्विच के ऊपर हम ये करेंगे कि ये हमारी मेन रिसीवर की जो तार है, यहाँ पे हमने रिसीवर की तार लगानी है। ये देखें, यहाँ पे रिसीवर की तार लगाएंगे और जैसे ही हमने यहाँ पे कनेक्शन कम्प्लीट किए, यहाँ से एक तार ले कर बड़ी LLB की 3 पे लगा देंगे और जो यहाँ से हम KU बैंड की जो तार है, एक KU बैंड की तार यहाँ से लेंगे और 2 में लगा देंगे, ये हमारा एक कनेक्शन बहाल हो गया। बसी बाकी एक पिन यहाँ से फिर लेंगे, दूसरा डैजिक स्विच यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे जो कनेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, तो ये अपना बड़ी आसानी से आप अपने घर में एक TV, दो TV, चार TV, हत्ता के 10 TV तक आप एक डिश के एंटीना के ऊपर चला सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत ही ईजीली ये मार्केट से सामान मिल जाता है। आप कहीं से भी ले लें, अगर मंगवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप मंगवा सकते हैं। ये 4 पिन की LLB मेरे पास पड़ी है, एक ये 4 पिन वाली LLB है, ये सी बैंड जो जिसको मोबाइल टावर फिल्टर कहते हैं, ये पावर स्प्रिटल जो है इसका कनेक्शन बढ़ाने के लिए के काम आता है ये, और ये हमारे पास एक इकोलिंक का जो डैजिक स्विच है। कुछ दोस्त करते क्या है कि केबल का स्प्रिंटर लेते हैं, मेरे भाई ये नोट कर लें, केबल का स्प्रिंटर कभी नहीं चलेगा। आपने जब भी लेना है पावर स्प्रिंटर लेना डिश एंटीना के लिए जो होता है, ये देखें जी इसके ऊपर नोट कर लें, ये चीज़ जो लिखी होगी ये इसको मिल जाता है मार्केट से, 200 रुपये का जो है, 150-200-250 रुपये का मिल जाता है मार्केट से, हम आम ले सकते हैं आप। और ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तमाम दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सैटेलाइट इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज़।